नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप गोपालगंज में होंगे तो आपके मन में भी एक कसक रहता होगा कि भाई गोपालगंज में हम जॉब करते हैं या गोपालगंज में रह रहे हैं और वीकेंड में कहीं घूमने का प्लान अगर बनता होगा तो मन में कसक रहता होगा कि भाई यहाँ घूमने के लिए कोई नज़दीक में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम वीकेंड मना सकें। और आपने देखा होगा कि नज़दीक में हमारा थावे माता का मंदिर है जहाँ पर लोग वीकेंड में कुछ लोग जाते हैं और वहाँ माता रानी का दर्शन करते हैं। और पीछे में जो जंगल है थोड़ा सा, वहाँ पे जगह है, अभी वहाँ पे पार्क वगैरह बना दिया गया है, वहाँ पे भी लोग घूमने के लिए जगह बना दिया गया है। आज संडे है और काफ़ी दिनों से हम लोग का वीकेंड का प्लान चल रहा था। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमितेश तिवारी जी, एक बार हाय बोल दें आप। इनका क्लिनिक है ओरो केयर एंड इंप्लांट सेंटर, कमला राय कॉलेज के सामने में इनका हॉस्पिटल है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि भाई हम लोग कहीं वीकेंड में घूमने चले। लॉकडाउन में काफ़ी दिनों से हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अभी कोरोना काल थोड़ा हल्का हुआ है, बीमारी का जो ये है महामारी का प्रकोप थोड़ा सा हल्का हुआ है। लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट की तरफ से ढील दी गई है, तो आज हम लोगों ने वीकेंड में घूमने का प्लान बनाया। हमारे साथ दीपक जी हैं पीछे में, और सुमित जी हैं, प्रेम जी हैं साथ में हम लोग का। तो आज हम लोग का वीकेंड में प्लान हुआ कि भाई डुमरिया घाट पर हम लोगों ने सुना कि भाई वहाँ पर घाट का निर्माण किया गया है, बड़ा अच्छा, गोपालगंज से नज़दीक में। कितना किलोमीटर होगा हम लोग यहाँ से? गोपालगंज से 35 किलोमीटर है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा, हमने एक फ़ोटो में देखा था, यहाँ के तिवारी जी, मिथिलेश तिवारी जी जो भाजपा के बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने पोस्ट किया था। तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि क्या वहाँ जो घाट का निर्माण हुआ है। और सुनने में तो आ रहा है कि काशी के जैसे बनारस के जैसे और पटना में जैसे घाट है, जैसे वहाँ पर आरती की जाती है वैसे यहाँ पर भी शुरुआत होगी कुछ दिन बाद, और घाट का निर्माण वैसे ही किया गया है। तो अभी हम लोग गोपालगंज से निकल चुके हैं और आज आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि कैसा राम घाट और सीता घाट, शायद दो घाट का निर्माण वहाँ पे हुआ है। पूरा आज के स्टूडियो में, वहाँ का ब्लॉग वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ का दृश्य। तो हम लोग NH 28 पे हैं और ये सामने डुमरिया घाट पुल आगे में है, और यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेना है। हम यहाँ पर पता करना होगा हम लोगों को कि भाई कहाँ पे किस साइड में घाट बना हुआ है। ये जो घाट बन रहा है किधर बन रहा है? उधर से जाना है तो इसी साइड नीचे से ही जाना होगा, मतलब पुल पार करने से पहले ही नीचे जाना होगा। अच्छा, मिथिलेश तिवारी जी ने लिखा था कि शिमला जैसा दृश्य अपने गोपालगंज में दर्शन करना हो अगर तो डुमरिया घाट पहुँचे। तो आज आपको दिखाते हैं कि वाकई अगर ऐसा कुछ है गोपालगंज में तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है कि भाई हम लोग भी अगर गोपालगंज में रहते हैं और फैमिली ट्रिप अगर बनाते हैं, वीकेंड में कहीं घूमने का मन बनाते हैं, तो एक तो बढ़िया जगह मिल जाएगा घूमने के लिए, और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी, बड़ा लोग का शौक होता है कि थोड़ा सा हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव पे जाएं घूमने, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कार ड्राइव करें लॉन्ग ड्राइव। तो ये शौक भी पूरा हो जाएगा क्योंकि 40 किलोमीटर के 35 से 40 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है गोपालगंज से, और वहाँ पर बड़ा अच्छा घाट का निर्माण हुआ है। तो मैं अभी पहुँच रहा हूँ वहाँ पर और आपको आज के स्टूडियो में पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। ये NH 28 सीधे मुजफ्फरपुर की तरफ निकल जाएगी, और ये यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड लेफ्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक देख सकते हैं, मैं जो रिवर फ्रंट है उसके बाहर में हूँ, और ये जैसा फिर रोड बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग वगैरह बन सकता है, आगे में कैफेटेरिया वगैरह बन सकता है, और ये शायद आगे में बनने का प्रस्तावित है, आगे बनेगा वो। और फिलहाल मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ अंदर में। तो इधर हम लोग पवेलियन में अंदर चल रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पटना में NIT गार्ड बनाया गया है ना, यहाँ बैठने वगैरह के लिए आप देख सकते हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा डिजाइनिंग किया गया है, फूल पत्ती का पार्किंग जैसे यहाँ पर नज़ारा होगा, ये फूल वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा। ये पीछे में देखेंगे ना बैकग्राउंड में, बिल्कुल किसी बड़े शहर जैसे नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पवेलियन सिंगल सिंगल दो है, और यहाँ पे ये सिंगल सिंगल आपने पीछे देखा, और ये डबल पवेलियन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डबल। अभी यहाँ से हम बाहर निकल के आपको दिखाएँ, इधर का जो नज़ारा है ना यार, मज़ा आ जा रहा है देखने। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डुमरिया घाट पे। आप पीछे में जो डुमरिया घाट पुल देख सकते हैं, ये पीछे में जो गोपालगंज टू मुजफ्फरपुर वाला रोड जो है, ब्रिज, डुमरिया घाट का जो ब्रिज है, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा घाट आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पूरा घाट बन के तैयार है। दो घाट यहाँ पे बना है, यहाँ से आप एक साथ दोनों घाटों का नज़ारा देख सकते हैं। ये है राम घाट और इधर थोड़ा सा है ये सीता घाट। ये दो घाट आप ये देख सकते हैं। इसमें भी 5 पवेलियन बने हुए हैं, एक डबल और 2 सिंगल। और इसमें भी 5 पवेलियन है, एक डबल और 2 चार सिंगल। इसमें भी 4 सिंगल। आप ऊपर में देख सकते हैं पोल लाइट, यहाँ भी और वहाँ भी। तो लाइट यहाँ पे लग चुका है और बिल्कुल पटना के जैसे पटना में है ना, और कौन सा घाट है वो एनआईटी घाट है। और जैसे बनारस में भी इसी तरह का लगभग घाट बना हुआ है। तो वो तो पुराना शहर है, वहाँ पे पहले से घाट का वो पूजा होते आया है, आरती होते आया, तो वहाँ पे पहले से ही है। लेकिन ये गोपालगंज के लिए यूनिक है और बिल्कुल नया है। आप यहाँ वीकेंड मनाने आ सकते हैं। शांत माहौल है और बिल्कुल शांत जगह है। बाहर में आपने देखा पार्किंग का भी जगह है, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। कार से सीधे NH 28 है। ये सामने जो हमने ब्रिज दिखाया ये NH 28 है। गोपालगंज से 35 किलोमीटर की दूरी होगा यहाँ पे। और यहाँ के सीधे कार पार्क करके यहाँ पे थोड़ा समय बिता के और आप यहाँ से आराम से वापस जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे सब कुछ सारी लाइटें सोलर सिस्टम है। अगर लाइट नहीं भी रहती है, कुछ दिक्कत भी आती है, तो भी यहाँ लाइट का दिक्कत नहीं आने वाला। सब कुछ सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और दोनों घाट पे अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं। आराम से अगर कपड़ा नहाने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज करना हो महिलाओं को या पुरुषों को, तो उसके लिए पीछे में बाथरूम वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं। दोनों घाट पे अलग अलग। और जैसे नाम से प्रतीत होता है ना कि एक राम घाट है और एक सीता घाट है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कयास लगाया कि भाई एक महिलाओं के लिए हो सकता है, एक पुरुषों के लिए हो सकता है, अलग अलग दो घाट हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद हम लोग बाहर निकले हुए हैं और लॉकडाउन में लगातार सब कोई, आप लोग भी घर में बंद होंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा अभी कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है, अनलॉक हुआ है, तो यहाँ प्लान कर सकते हैं, आप आके घूम सकते हैं। बिल्कुल शांत माहौल है, थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन जैसे इनॉग्रेट होगा, इसका सब कुछ होगा, आधिकारिक घोषणा होगी, जबकि यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं तब भीड़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यहाँ का नज़ारा है। आप देख सकते हैं हम लोग के सामने जस्ट यहाँ पे गंडक नदी, जस्ट हम लोग के सामने अभी बैठे हुए हम लोग घाट पे। और बिल्कुल जैसे बड़े शहरों जैसे नज़ारा है यहाँ पे, जैसे बड़े बड़े शहरों में बनारस जैसा फील हो रहा है हम लोगों को। पटना में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो घाट पर जाके शाम को बैठा करते थे, बिल्कुल वही नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से यहाँ से बोट वगैरह भी चलाई जा रही थी ना यहाँ पे, वो भी शुरू हो जाएगा ना, बोट वगैरह। और जो जैसे गोवा वगैरह में जो बाइक मोटर बाइक यहाँ पे चलने लगेगा, बढ़िया भी। काफ़ी देर से देख रहे थे हम लोग आप लोग यहाँ पे फोटो वगैरह ले रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मोहम्मदपुर से हैं। अच्छा, मोहम्मदपुर से। क्या टिकटॉक वगैरह बना रहे थे क्या? वीडियो। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के साइट इंचार्ज हैं, पहले अपना छोटा सा परिचय दें थोड़ा सा। मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार, यहाँ का साइट इंचार्ज, साइट इंजीनियर है। थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा काम हो रहा है, क्या बनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे दो घाट है। एक उस तरफ ब्रिज के पास में और उससे सटे हुए दूसरा घाट है। एक का नाम ब्रिज घाट है, एक का नाम डुमरिया घाट। अच्छा, जैसे बहुत सारे वीडियो में फोटोज़ में हमने देखा कि राम घाट और सीता घाट भी लोग कह रहे हैं। हाँ, तो एक जो हमारे एक्स विधायक हैं विलेश कुमार तिवारी, तो उन्होंने नाम रखा एक को राम घाट और दूसरे को सीता घाट, जो कि अभी हम लोग सीता घाट पे हैं। तो क्या ऐसे नाम से चलते हुए थोड़ा सा बात करें ताकि हम लोग और भी दिखा सकें। तो जैसे नाम से क्या असर है, जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ, उन्होंने कहा कि राम घाट और सीता घाट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक घाट महिलाओं के लिए है, एक घाट पुरुषों के लिए है, जैसे नहान वगैरह के टाइम में जब भीड़ हो। तो इस पर क्या होगा कि लेडीज लोग, महिलाएं लोग इस पर स्नान करेगी, ठीक है, और पूजा पाठ इस पर करेगी, और पुरुष लोग उस पर नहान वगैरह में जब मेला वगैरह लगे इधर। अच्छा, थोड़ा सा ये डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे ना। ये आपका पवेलियन है, जो 5 पवेलियन है घाट पे। इसमें से 4 आपका पवेलियन 1 जो कि स्मॉल टाइप पवेलियन है, और एक कंबाइंड टाइप पवेलियन है जो कि बिग पवेलियन, इसको बोल सकते हैं। इधर दिखाइए थोड़ा सा, पवेलियन है ये कंबाइंड हो गया। हाँ, बीच वाले कंबाइंड हो गया, और इसका नाम है पवेलियन 1 कंबाइंड ये हो गया। हाँ, बीच वाले का कंबाइंड पवेलियन है, जो कि काफ़ी इसको सौंदर्य के रूप में दिखा रहा है। यहाँ पे पूरा लाइट वगैरह। हाँ, एक हमारा हाई मास्ट, दो हमारा एक घाट पे एक हाई मास्ट, दोनों में मिलाकर 2 हाई मास्ट है, हाई मास्ट लाइट है, जो काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी सारे लाइट जितने भी लाइट हैं सब सोलर सिस्टम पे है ना? हाँ, बाकी सारे स्ट्रीट लाइट है, सोलर लाइट। टोटल 20 सोलर लाइट है और 2 हाई मास्ट लाइट है। अच्छा, और बाई रोड से आने के लिए हमने देखा कि ऑफ रोडिंग करके आना है, थोड़ा सा रोड अभी नहीं तैयार हुआ। जैसे कि हम लोगों ने विभाग को दे दिया है लेटर अप्रोच रोड के लिए, तो वो भी आजकल में उसका एस्टिमेट चला जाएगा, वो उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा अप्रोच रोड। कितने का प्रोजेक्ट था ये सारा? ये प्रोजेक्ट आपका 8.5 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। कब से बन रहा है ये? आपका 1 साल हो गया, 2020 से। कब तक बन के कंप्लीट हो जाएगा? कब तक उन्हें पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा कि लोग आके यहाँ पे घूम सकें? ये 99% कम्प्लीट हो चुका है। 100% बोला जाए तो 100% कम्प्लीट हो चुका है। इस मंथ में पूरा काम फिनिश होगा। हो जाएगा। बाहर पार्किंग भी उधर बनेगा क्या? हाँ, आने वाले समय में घाट के अलावा और क्या यहाँ पे बनाया जा रहा है जो लोग घूम सके या लोग थोड़ा सा पिकनिक के लिए या वीकेंड पे आके यहाँ पे थोड़ा सा घूम सके? घाट के अलावा इधर कार्पेटेरिया बनेगा, उसका भी टेंडर हो चुका है, आने वाला समय में वो भी बनेगा कुछ दिनों में। और फिर जहाँ तक पता है कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे सभी फेज में, ये फर्स्ट फेज है, ठीक है। फर्स्ट फेज में 2 घाट बना, अब इसके बाद सेकेंड फेज में कार्पेटेरिया बनेगा, फिर पार्किंग बनेगा और पार्क वगैरह सब बनेगा। घूमने के लिए काफ़ी अच्छा स्थल है यहाँ का, ठीक है। बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। लिए करवेटेरिया बन रहा है, सौदागी जिसको बोलते हैं, आगे में बनेगा। हाँ, आगे में ये विभाग डिसाइड करेगी किस तरफ बनेगा, ऐसे उस तरफ ही बनना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लोकल में गोपालगंज में मैंने गोरखपुर और पटना के बीच में सिर्फ गोपालगंज में ही है ऐसा जगह। हाँ, ये सिर्फ गोपालगंज में, लोकल में अगर बात करें तो गोरखपुर में है ऐसा और फिर पटना में है। बैकुंठपुर क्षेत्र में ही, विधानसभा क्षेत्र में ही ये बना है। अच्छा, बैकुंठपुर क्षेत्र विधानसभा में आता है और बैकुंठ धाम यहीं पर बन रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से विधायक जी जो एक्स विधायक थे यहाँ पे जी, जो मिथिलेश तिवारी जो है, उन्हीं के सहयोग से ये चीज़ बना है। बड़ी अच्छी बात है। आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे? आपको वीकेंड के लिए आपको कोई जगह नहीं मिल रहा था गोपालगंज में कि भाई वीकेंड कहाँ मना है, हमने बताया आपको, ये यहाँ आगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आने के बाद बहुत शांति है और शांत जगह। आदमी सोचता है, काम से अगर थकता है तो सोचता है कि ऐसे जगह जाएँ जहाँ की मन को शांति मिले, तो हमको आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और शांति बहुत ज़्यादा है, मन को भी सुकून मिल रहा है। तो और बहुत खुशी हो रहा है कि मिथिलेश तिवारी विधायक जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो ये भी सुन के अच्छा लग रहा है। और इसका नाम भी दिया गया है बैकुंठ धाम, तो सच में बैकुंठ धाम ही है एक तरह से। भीड़ कैसा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं? अभी सैकड़ों के तादाद में लोग आ रहे हैं। शाम जैसे ही धूप थोड़ा डाउन होता है, लोग का आना स्टार्ट। अभी देख सकते हैं कितने लोग हैं और लगभग 5 बजे के बाद देखिएगा तो सैकड़ों लोग का फिर यहाँ पे जमा होता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं लोग भी आती है। काफ़ी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, काफ़ी लोग फोटो के लिए लोग जगह खोजते रहते हैं, फोटो वीडियोस बनाने के लिए, तो काफ़ी यहाँ पे लोग भीड़ लगता है। सेल्फी लेने के लिए काफ़ी लोग, नवयुवक लोग आते हैं जो कि सेल्फी लेते हैं। और धीरे धीरे जैसे हम लोग वीडियो के माध्यम से भी लोगों को पता चलेगा वीडियो के माध्यम से। और यहाँ का क्षेत्रवासी को यही गुजारिश है कि आकर देखिए यहाँ पे, और आप लोग इस जगह पर आकर आनंद लें। यहाँ का जो आपके सामने गंडक नदी है, इसका आधार को देखते हुए अपना, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए लोग बाहर जाते हैं, बनारस लोग जाते हैं, पटना जाते हैं घाट का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सुना कि आरती वगैरह भी होगा क्या? आने वाला समय में आरती भी होगा, यहाँ पे आरती होगा तो और खिल उठेगा यहाँ का जो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बड़ा अच्छा देखा, घाट पे लोग कपड़ा वपड़ा चेंज करता है, नहा धोआ के, तो बड़ा ये सब ये और लगता है। तो यहाँ पे अलग अलग बाथरूम बनाए गए हैं ना, चेंजिंग रूम अलग अलग, दोनों टॉयलेट रूम और चेंजिंग रूम, जेंट्स और लेडीज दोनों अलग अलग, और विकलांग के लिए भी। अच्छा, विकलांग के लिए भी अलग है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं? मैं डुमरिया घाट से हूँ। अच्छा, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। अच्छा, मेरा वीडियो देखा आपने? तो यहाँ मैंने, आप तो लोकल हो गए, कैसा लग रहा है ये देख के? ना, बहुत अच्छा नज़ारा है सर। अभी तो कुछ दिन पहले आप आए होते तो पानी बहुत ऊपर आया हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय का सीन। हाँ, पानी का सीन बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, घाट पे पानी तक पहुँची हुई है और काफ़ी अच्छा दृश्य है। हम आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आप जब यहाँ आएंगे, यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, इस साइड में देखेंगे आप बादल, जो बरसात का नज़ारा है, और इधर पानी, घाट, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है जो बाहर बड़े शहरों में जैसा हम लोग देखते हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग अभी गोपालगंज में हैं। जैसा विधायक जी ने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि शिमला जैसा नज़ारा अपने गोपालगंज में है, तो बिल्कुल ही शिमला और बनारस जैसा नज़ारा ये अपने गोपालगंज में है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यहाँ विजिट कीजिए, घूमिए और फोटो वोटो लेके पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर, लोगों को बताइए कि हमारा गोपालगंज अब बदल रहा है, हमारा गोपालगंज भी अब बड़े शहरों को टक्कर देने लायक यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग अभी डुमरिया घाट पे हैं और आप यहाँ सीधे NH 28 से पहुँच सकते हैं। डुमरिया घाट पुल आप पीछे देख सकते हैं, पुल के बगल में ही ये घाट है और आराम से यहाँ पे पहुँच के आप आनंद ले सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।